बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, चैप्टर नंबर 6 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेनियर कॉरपोरेशन बैलेंस शीट एज ऑफ दिसंबर 31st 2006। इन 1000 में सारी वैल्यूज दी गई है। अब आपको एक तरफ एसेट साइड दी गई है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, और इसी तरह से आपको एक लायबिलिटी साइड दी गई है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज जो है वो आपकी मिसिंग है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। इनकम स्टेट में आपको सेल अवेलेबल है और बाकी चीजें मिसिंग है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका है यहाँ पे और बाकी चीजें यहाँ पे मिसिंग है। इसके अलावा आपको एक रेलिवेंट यहाँ पे डेटा दिया हुआ है जिसको हम देख सकते हैं जी। अदर इंफॉर्मेशन के हवाले से करंट रेशो दी गई है 3:1 है। ठीक है, यानी कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लाइबिलिटीज का 3 गुना है, इसका मतलब ये है। डेप्रिसिएशन दी गई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% दिया गया है। आपको पता है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 7% है, इसका मतलब ये सेल का 7% है। अगर हमें सेल पता लग जाए तो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है, या हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन का पता लग जाए तो हम सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। और सवाल में वैसे हमें सेल दी हुई थी तो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं उससे। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज ओवर शेयर होल्डर्स इक्विटी दी गई है आपको 1:1, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी वो भी सेम है। ठीक है, दोनों एक दोनों बराबर हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया 45 डेज का। ठीक है, 45 दिनों का एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके पास। और उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दी गई है। ठीक है, 3:1 इसकी रेशियो है। इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है जी सीजीएस को हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री पे। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इन्वेंट्री का 3 गुना करेंगे तो सीजीएस आ जाएगी। सीजीएस इन्वेंट्री का 3 गुना है क्योंकि सीजीएस ऊपर आती है और इन्वेंट्री जो है बटे के नीचे आती है। ठीक है, तो सीजीएस ऊपर आएगी और इन्वेंट्री नीचे आएगी। तो ये हमें हमारे पास क्लूज है डिफरेंट। और उसने कहा जी, अज्यूमिंग दैट सेल्स एंड प्रोडक्शन आर स्टडी थ्रू आउट 360 डे ईयर, कंप्लीट द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द वेनियर कॉरपोरेशन। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम एक्सेल में करते हैं जी। एक्सेल में हमने ये एक फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, जिसमें हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, एक तरफ हमारे एसेट्स हैं और एक तरफ हमारी लाइबिलिटीज हैं, और जैसा क्वेश्चन था वैसे ही हमने यहाँ बनाया, और जो मिसिंग फिगर्स हैं यहाँ पे इनको हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट पे आ जाएं आप जरा। यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो है वो क्रेडिट सेल है 8000 है। ठीक है, और इसका हमें एक क्लू पता था नेट प्रॉफिट मार्जिन का। ठीक है, यानी कि अगर हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें यहाँ पे क्लू दिया हुआ था, इसको हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि नेट प्रॉफिट जो है वो 7% है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अगर सेल हमारे पास है, अगर हम सेल का 7% लें तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ सकता है। और सेल की फिगर हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सेल की फिगर आपके पास 8000 की है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पे जो है हमारे पास एक क्लू था क्वेश्चन में, तो हमने सेल हमारे पास गिवन थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% दिया था, तो हमने यहाँ पे सेल का 7% लिया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। एक चीज हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे जो कह रहा मुझे ऐड कर ले फिर से उसमें मैसेज है हमारे पास वो भी। स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, अगर हम इस चीज को यूज करते हैं ना, इस चीज को यूज करके अगर हम ये 44% बैक अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब 44% लेस होने के बाद ये 560 आया। ठीक है, यानी कि 44% अगर टैक्स है और इसके पिछली अमाउंट का अगर हम 100% समझ लें, उसमें से 44% लेस होके ये हमारे पास जो बची है, इसका मतलब जो 560 है ये हमारे तकरीबन कोई 56%, 100 में से 44 निकाल दें हम, 56% को शो कर रही है। ठीक है, तो 56% को हम शो कर रही है, तो इसके जरिए से हम टैक्स भी निकाल सकते हैं और उसकी पिछली अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी।
ये देखिए हमने यहाँ पे जो है ना ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 560 को यूज किया, ठीक है, और इसके जरिए से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला तो 1000 निकला है, 560, ये जो 560 है ये 56% को शो कर रहा था। ये कैसे पता लगा 56% है, क्योंकि 40 जो यहाँ पे जो अमाउंट थी ना उसमें से 44% माइनस होके ये आया था, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ वाली अमाउंट को हम 100% समझ लेते हैं तो 44% माइनस करने के बाद जो आई है वो 56% ही आई है। इसका मतलब 560 56% है, इसको हमने इस पर डिवाइड किया और जैसे कि हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके हमने 100 से 1000 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दूँ कि किस तरह 1000 बना हमारा, ये बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। 560 को हमने डिवाइड किया जी, 560 को हमने डिवाइड किया जी 56% पे और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर देन अपने 100% से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आ गया जी डॉलर में 1000 का, ठीक है जी। यही 1000 हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब 1000 का जो 44% है वो कितना आपको पता ही है, इसका हमने 44% लेना है तो 44% ले वो कितना आता है, हम सिंपल टैक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कि टैक्स अगर निकालना हो, टैक्स अमाउंट निकालनी हो तो हम किस तरह से निकाल लेंगे, हमारे पास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है उसका हम 44% ले लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जी हम किसके साथ, 44% के साथ, ठीक है जी। ये हमारे पास जो आंसर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना थी आपके पास, 1000 है जी। 1000 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 44% के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 440 जो है वो डॉलर में आंसर आ जाएगा आपके पास 440 का, ठीक है जी। इसी 440 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं 440। सर जी ये किसी बच्चे का माइक होना है सर, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है।